मेरा सवाल आप तीनों से, जो भी जवाब देना चाहे जल्दी से दे दे। हर तीन सवाल बाद ये बजाते हैं। अगला सवाल करण अर्जुन के बारे में है। बहुत ही प्रख्यात फिल्म है, बहुत लोगों ने देखी है, बहुत पसंद किया है आपको करण अर्जुन के पात्रों में, अभी भी याद करते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे करण अर्जुन आएंगे फिल्म में, राखी जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे बार बार कहती रहती, क्यों था उन्हें ये इतना अत्यधिक कॉन्फिडेंस? आपके ऑप्शंस हैं, ए जाते टाइम उन्होंने रिटर्न टिकट करा के दिया था, इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरे बच्चे आएंगे। बी फिल्म का नाम करण अर्जुन था, इसलिए करण अर्जुन ही वापस आएंगे, बबलू और गुड्डू तो आएंगे नहीं। सी वो कौन सा लोन लेकर गए थे जो वापस नहीं आएंगे? या फिर डी आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। हाँ? हाँ? काली जी ने अमित जी के साथ ब्लैक में काम किया था, फिर अमित जी ने पिंक में काम किया था, अब कौन से कलर में अगली फिल्म आ रही है? काली जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। आप रानी मुखर्जी हैं, और अगर आप किसी बात से मुकर जाएं तो आप रानी मुखर्जी हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उम्दा। रानी जी आप आए हैं तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो हींग खा लीजिए। नहीं नहीं, आप जब तक बोलना बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा कुछ। आप सिर्फ एक्सप्रेशन से काम चलाएं। कृपया मुझे इजाजत दे, मैं थोड़ा बोल सकता हूँ। ठीक है बोल दीजिए, नहीं तो कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा, अभी तो 10 का दम सारा बाकी है। तो रानी जी अगला सवाल आपसे। जी। शाहरुख साहब और सलमान साहब 1 अरब जीत चुके हैं, जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। अगला सवाल आपसे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे क्यों सरक रही है? वो फास्ट फास्ट भी सरक सकती थी, लेकिन वो धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ये 10 कदम नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं, मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा। ए 4G की स्पीड नहीं थी इसलिए वो धीरे धीरे सक रही है। बी क्योंकि चुनरी का फेवरेट गाना था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। वैसे वो चुनरी नहीं, सरकारी फाइल है, इसलिए वो धीरे धीरे सक रही है। रंग भी चलता रहना चाहिए, देखिए मीनिंगफुल बातें भी चलती रहनी चाहिए। और डी क्योंकि चुनरी एजुकेटेड है, उसको पता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सच में जवाब चाहते हैं इसका? चाहते तो हैं। अगर मिल जाए छोटा सा कोई मोटा सा। नहीं, ये भाई आज सवाल का मैं जवाब इसका ऑफलाइन किससे भी जवाब दे सकती हैं। अगर आप चाहें तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार के हकदार हुए डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलती है ये सीडी, स्मार्ट तो आप हैं ही तो स्मार्ट सीडी। तो सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर में है ही नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट कहाँ है? क्या है, अपना मोबाइल थोड़ा चार्जिंग पे लगाना है, क्योंकि जो
जीतने की रकम है अकाउंट में ट्रांसफर तभी होगी जब इसके ऊपर ओटीपी आएगा तो है यहाँ पे कहीं तो छना छना आप लोग तैयार? जी जी बिल्कुल तैयार। कितनी धनराशि जीतने की संभावना है आप लोगों को यहाँ से? आज आपसे तो सब लूट के ले जाएंगे। कोशिश जरूर करेंगे, कम से कम 7 करोड़। आप चाहें तो आज अरबपति भी बन सकते हैं। ऑलरेडी आप हैं अरबपति, मतलब एक बार फिर से अरबपति बन सकते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, कंप्यूटर सिर्फ मेरी स्क्रीन पर, बैटरी 4000 mAh, रैम 3GB, मेड इन चाइना, 3 ईयर वारंटी, ISI 000180। आई एम सॉरी, ये मैं कंप्यूटर की बैक साइड पड़ गया। बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूं मैं आप लोगों से, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मार। क्योंकि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मार। गुपचुप गुपचुप। लो लो मैं निकल गया। तो सबसे पहला सवाल, हैरान मत होइए, सबसे पहले तीसरा सवाल ये रहा, हैरान मत होइए, ये कंप्यूटर का पासवर्ड है, सबसे पहले तीसरा सवाल अब ओपन होगा। तो ले लेगा। लगता है ये फेस रिकॉग्निशन वाला कंप्यूटर है आपका। लगता है मालिक के फेस से खुलेगा। यस एक सेकेंड। खुल गया कंप्यूटर, खुल गया। गेम अब शुरू कर सकेंगे हम सलमान साहब और शाहरुख खान साहब के साथ। तो ये सवाल है, सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, ये सलमान साहब के ऊपर सवाल है लेकिन जवाब शाहरुख साहब देंगे इसका। तो ये रहा सवाल मेरे मुंह पर, सलमान खान हर फिल्म में शर्ट क्यों उतारते हैं? कन्या कितनी खुश हो रही है देखिए। शर्ट उतारने की बात पर ही इतना प्रसन्न हो रही हैं सब लड़कियां, मैं बताते होंगे तो बड़ा मजा आता है। आपके ऑप्शन हैं, ए शर्ट उतारते हैं ताकि फिल्म ना उतरे, बी शर्ट मैली ना हो जाए इसलिए उतारना पड़ता है, सी टाइगर कभी शर्ट नहीं पहनता, या डी सलमान खान शर्ट नहीं उतारेंगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उतारेंगे क्या? बहुत दुविधा में शाहरुख साहब। सर मैं माफी चाहूंगा, मुझे लगता है कि आपके ऑप्शंस में शायद इसका आंसर नहीं, ये सवाल थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बहुत सालों से लोग पूछे जा रहे हैं कि सलमान भाई शर्ट क्यों उतारते हैं, बहुत सालों से उतारे भी जा रहे हैं ना? उतारे भी जा रहे हैं लेकिन शायद अपने हाल में देखा कि पैंट भी उतार चुके हैं फिल्म। सर बात लंगोट तक पहुंच चुकी है आप। मेरा मतलब है कि मेरे लंगोटिया यार हैं तो ये जो उतारना चाहें उतार सकते हैं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं इनको बोलूं क्या उतारो और क्या पहनो। सुल्तान फिल्म में लंगोट में बड़ा खूबसूरत दिखाई दिया, ये कहना पड़ेगा। शुक्रिया। चलिए अब आप जीत चुके हैं इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये टुच्चा सवाल था, इसके जवाब उससे भी टुच्चे थे लेकिन आपने सही जवाब दिया है। आपको मिलते हैं ये 18 रुपए। आप चाहे तो गिन सकते हैं 18 रुपए, और ये इनाम की रकम नहीं है, ये GST है, इसे आप टाइम से जमा करवा दीजिएगा। चलिए शाहरुख साहब थैंक यू वेरी मच।
तो जीएसटी अर्न कर लिया है शाहरुख साहब ने। चलिए अब दूसरा सवाल। ये सवाल दोनों के लिए, लेकिन शाहरुख साहब उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा। शाहरुख खान साहब के लिए सवाल, मान लीजिए सलमान जी की शादी है, उसमें शाहरुख खान क्या कर रहे होंगे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसके पात्र वास्तविक है लेकिन कल्पना से भरा हुआ है ये सवाल। सलमान साहब की शादी चल रही है और शाहरुख खान उसके अंदर क्या कर रहे होंगे? आपके ऑप्शन है, फूड स्टॉल के पास खड़े होकर कह रहे होंगे शाहरुख साहब के बड़ी बड़ी शादियों में छोटे छोटे रसगुल्ले, सलमान साहब की शादी चल रही है। बी ऑप्शन है कि बारातियों के साथ नागिन डांस कर रहे होंगे भोजपुरी गाने पर। परमित्र की शादी है तो ऐसा चलता है। और सी, रोती लड़कियों को चुप करा रहे होंगे और कह रहे होंगे चुप। यदि शगुन के लिफाफे चेक कर रहे होंगे कि मैंने इतना दिया तो आमिर अक्षय ने कितना दिया? सर आपका जो ऑप्शन है थर्ड वाला, कि बहुत सारी लड़कियां होंगी जो बहुत परेशान होंगी, उनके दिल टूटेंगे, दिल टूटेंगे, नकार दी गई होंगी, तो मैंने सलमान से दोस्ती कर ही उस दिन के लिए कि जो जो इसकी बच जाएंगी मैं उनका ध्यान रख लूंगा। थैंक यू। वो असली वालों के यहाँ तो बहुत होते हैं, हमें नहीं मिलते हैं तो थोड़ा शो। चलिए अब बढ़ते हैं बहुत ही उम्दा प्रश्न की तरफ। ये हमारे पास पत्ते हैं, मैं कुछ पत्ते बांटूंगा और आपको क्या है, अरे ये देखिए पत्ते बांटूंगा मैं, तीनों के पत्ते पीस रहा हूँ, पत्ते पीसने में बहुत बहुत आनंद पत्ते पीसने में। पत्ते फेंकने में एक अपना ही एक अनुभव होता है। ये शाहरुख साहब का पत्ता। ओ बादशाह, थैंक यू। ये सलमान साहब का पत्ता, इक्का। और ये मेरा पत्ता, जोकर।